वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर का पहला पार्ट। ऐसे आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर करवाए जाएंगे, तो जिसमें आज हम पहला स्ट्रक्चर सीखेंगे सेंटेंस लिखने का। एस का मतलब सब्जेक्ट है, इसमें पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट वो होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाए, बताया जाए, ठीक है। हैपन टू लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हैपन टू लगाना है या चांस्ड टू लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। इसकी पहचान होगी हिंदी वाक्य के अंत में, ये करने का अवसर मिला, ने का अवसर मिला, खेलने का अवसर मिला, चलने का अवसर मिला, ठीक है। तो ने का अवसर मिला, ने का मौका मिला, ऐसे आएगा। जैसे मुझे दिल्ली में पढ़ने का मौका मिला, तो मुझे का हो जाएगा आई, आई के बाद आएगा आपका हैपन टू या फिर चांस्ड टू, ठीक है। आई हैपन टू या चांस टू स्टडी इन दिल्ली, तो मुझे का हो गया आई, पढ़ने का मौका मिला, तो पहले मौका मिलने का लिखेंगे हैपन टू या चांस्ड टू, फिर पढ़ने का हो जाएगा स्टडी, और कहाँ पे, दिल्ली में, तो इन दिल्ली। ऐसी उसे सलमान से मिलने का अवसर मिला या मौका मिला, तो ही हैपन टू या चांस टू, मीट माने मिलने का, टू सलमान। उसे अपने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिला, उसे अपने परिवार के साथ अवसर बिताने का समय मिला, तो ही हैपन टू स्पेंड द टाइम या स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। तो उसे का हो गया ही, अवसर मिलने का हो गया हैपन टू, समय बिताना तो स्पेंड टाइम परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, तो विद हिज फैमिली। उन्हें लाल किला देखने का मौका मिला, तो दे हैपन टू सी द रेड फोर्ट, तो उन्हें लाल किला देखने का मौका मिलेगा, तो दे माने उन्हें, पीछे से आएंगे तो मौका मिला को लिखेंगे हैपन टू या चांस टू, फिर देखने का इंग्लिश आ जाएगा वॉच या सी, और लाल किला का रेड फोर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो रेड फोर्ट जो है एक स्मारक है, इसलिए इसके आगे दा लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, और भी वीडियो में हम और नए नए स्ट्रक्चर लाएंगे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।